डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी मैथ्स क्लास नाइन्थ का सेक्शन ए एक्सरसाइज 1A बना रहे हैं, जो कि रियल नंबर से रिलेटेड है, जो कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। भारती भवन के बुक से हम लोग एक्सरसाइज 1A को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। ये संख्या है, ए में है 2/3, बी में है 7/4 और सी में है -3/5। तो ए को देखिए, 2/3। क्या करेंगे हम, एक रेखा लेंगे, यहाँ जीरो से शुरू किए। अब यहाँ देखिए 2/3, इसका हर कितना है, 3 है। तो हम तीन बराबर दूरी पर तीन पॉइंट देंगे और यहाँ हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इस जगह पे हम 2/3 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से बी है, बी 7/4, 7/4 है। तो हम फिर एक रेखा खींचते हैं 0 से और हम यहां से 4 है तो 4 लाइन खींचते हैं, बराबर दूरी पर 4 लाइन खींचेंगे, 1 2, इतना पे ही हमारा काम हो जाएगा। तो आगे हमें नहीं उतना बढ़ाना है, हम यहीं पे छोड़ देते हैं। 7 है तो यहाँ देखते हैं 4 है और 6/5, 6/7, यहाँ 7 हो रहा है तो हम यहाँ 7/4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सी है, सी देखिए इसमें माइनस है, -3/5 है। तो हम क्या करेंगे, 0 एक संख्या रेखा खींचेंगे 0 से और यहाँ 5 है तो 5 पॉइंट देंगे, 5 बराबर भागों में इसको बांटेंगे और इसको 1 नंबर देंगे। और इसी तरीके से फिर आगे हम 1, 2, 3, 4 एक और हम दे देते हैं 5, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है, 5 है तो यहाँ आगे यहाँ कितना हुआ, -3 है, 1, 2, 3, यहाँ 3 हो रहा है तो यहाँ पे हम -3/5 लिख देंगे। ये आपका हो गया। इसमें चाहे तो आप नंबर बढ़ा सकते हैं, ये जगह खाली है तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 3 हो गया, इतना को हम मिटा देते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इतना हम मिटा देंगे। तो ये देखिए इसमें क्या किए हैं, जो ए में देखिए 2/3 है तो 2/3 हम 3 है, इसका हर 3 है तो हम तीन बराबर दूरी पर तीन बिंदु हमने लिया, तीन डॉट लिया, 1, 2, 3 डॉट हुआ। हमें क्या है, 2/3 है तो हम क्या करेंगे, 1 का 2 हिस्सा, 1 को 3 हिस्सा किए और उसमें 2 हिस्सा, तो यहाँ आ रहा है 1, 2, यहाँ आ रहा है तो 2/3 यहाँ हमने शो कर दिया। उसके बाद बी में है 7/4, तो 7/4 मीन्स 4 बराबर 4 भागों में हम बांटेंगे, 4 बिंदु में हम लेंगे
1 2 3 4, ठीक है। तो फोर हम लिए, तो यहाँ अब हम गिनेंगे, फोर यहाँ हुआ, 5 6 7, हमें 7 by 4 दिखाना है। तो हमने यहाँ इसके सामने 7 by 4 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, -3 by 5। तो हम 0 से बाएं तरफ लेंगे रेखा, चूंकि माइनस का ऋणात्मक रेखाएं जो होती है बाएं चलती है, तो हम बाएं लिए और इसमें कहा जा रहा है -3 by 5। तो हम -5 5 कहा जा रहा है, तो 5 बिंदु लिए, बराबर दूरी पर 5 लाइन लिए, जैसे 1 2 3 4 5 ये देख सकते हैं, और इसमें कहा जा रहा है -3। तो हम 1 2 3 हम यहाँ 3 गिनते हैं, तो इस सामने -3 by 5 हमने लिख दिया। तो इस तरह से संख्या रेखा पे इसे प्रदर्शित किया जाता है, इस संख्याओं को संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4, एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए, 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें परिमेय संख्या निकालना होगा, तो हम इस आधार पर निकालेंगे a+b/2। तो a+b के हिसाब से हम इसे अरेंज करेंगे, तो 1+2 होगा बाई 2, क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया 3/2। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, 3/2 को लेकर के +2, ये एक मोटी लगी, ठीक है। हम ये 2 को ले लिए, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे, सपोज कि यहाँ 1 होता है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे 2 3 और 2 2 4 by 2, 7 by 2। हम इसको अगर पलट देते तो 1/2 हो जाएगा, इस तरह से 7/4 हो जाएगा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7/4 प्लस हम फिर 2 लेते हैं, और यहाँ तो 2 4 8 प्लस 7/4, ये मोटी लकीर होती है, ये डिवाइड होता है। जब हम इसको 15/4 करते हैं, इसको जब पलटते हैं तो 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15/8। उसके बाद हम फिर ये 15/8 को हम ले लेते हैं, 15/8 प्लस अब हम 1 को ले लेते हैं, ये 1 को लेते हैं, तो ये देखिए 1 8 जोड़ 15, बटे 8/2,
पंद्रह आठ 23 बटा 8 गुने 1/2 बराबर 23/16। ये चार संख्या हमें प्राप्त हो गई, एक पांच संख्या हमें और प्राप्त करनी है। तो हम पांचवी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 23/16 प्लस 1 बराबर 16 प्लस 23 क्या हो गया, 6 3 9, 3/16 इसे हम पलट देंगे क्या हो जाएगा, 39/16 39/32। तो इस तरह से पांच परिमेय संख्या क्या हो गया, पांच परिमेय क्या हो गया, 3/2, 7/4, 15/8, 23/16 और 39/32। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये देखिए कैसे हुआ, इसे हमने क्या किया, 3/2 इसे a प्लस b बाई टू हमने किया, इसे जोड़ने पर 3/2 हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम फिर 3/2 को लेंगे और उसमें हम ये 2 ऐड करेंगे और बाई, ये बाई 2 जो है इसे हम यहाँ लिखते हैं। तो हम इसे जोड़ते हैं, इसे जोड़ने पर 7/2 आता है और ये नंबर जो है ये मोटी लकीर होती है, ये मोटी लकीर में डिवाइड, इसे हम पलट देते हैं तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीपल करते हैं तो 7 1 7 और 2 2 4। इसी तरीके से और भी प्रोसेस ये किया गया है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आगे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/3 और 1/2 के बीच ए एक परिमेय संख्या और बी दो परिमेय संख्या निकाले। ये सवाल नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 में दो क्वेश्चन है, एक में एक परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, दूसरे में दो परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले ए को हम देखते हैं, हमने फॉर्मूला देखा था ए प्लस बी बाय 2, इसके अकॉर्डिंगली ए प्लस 3 प्लस 1/2 ये हम देंगे। अब इसे हम जब जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 2 6 3 2 2 1 2 और 2 3 जा 2 3 जा 6 3 1 जा 3।
बाई टू, फाइव बाई सिक्स बाई टू ये हुआ। अब इसे हम फाइव बाई सिक्स इसे हम पलट देंगे तो फाइव बाई ट्वेल्व हो गया। बी को देखिए, बी में देखिए ऑलरेडी हमें फाइव बाई सिक्स लिखा दिया हुआ है। हम फाइव प्लस ट्वेल्व करते हैं और एक और ये नंबर ये ले लेते हैं तो इसका एलसीएम ट्वेल्व भी होगा। फाइव प्लस सिक्स ट्वेल्व बन गया ट्वेल्व, वन फाइव जा फाइव और टू सिक्स ट्वेल्व, सिक्स बन जा सिक्स, बारह इकाई बारह तो एक पंचे पांच, दो छक्के बारह, छह इकाई छह, ये क्या हो गया ग्यारह बट्टा बारह और मोटी लकीर दो। हम इसे जब अरेंज करेंगे तो ये इस टाइप से होगा, ग्यारह इकाई ग्यारह और बारह दुना चौबीस, तो इसमें दो परिमेय संख्या हो गया, दो परिमेय संख्या ग्यारह बट्टा पांच बट्टा बारह और ग्यारह बट्टा चौबीस, ठीक है। इसी तरीके से आगे और सवाल सब है, सारा इसी टाइप का सवाल है, आपको यही आधार है। एक और आपको मैंने एक्सरसाइज में एक तरीका बताया था कि हम दोनों का जितना नंबर निकालना होता है, सपोज दैट कि दो परिमेय संख्याएं हैं तो हम तीन जोड़ लेंगे, हम टू में वन जोड़ेंगे थ्री होगा और उससे दोनों नंबर को हम थ्री से मल्टीपल कर देंगे तो ऐसे भी निकल जाएगा। सपोज मैं एक बता दूं, सपोज ये ए है, हम ए को आपको बताते हैं, ये एक ये भी तरीका है कि वन बाई थ्री और वन बाई टू है तो हमको दो परिमेय संख्या निकालना है, इसे हम दूसरे तरह से ऐसे कर सकते हैं, दो परिमेय संख्या निकालना है वन बाई थ्री का और वन बाई टू का, तो हम क्या करेंगे दो प्लस वन ऐड कर लेंगे थ्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे वन को बाई थ्री को थ्री से हम मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन, हम इसका अगर हम लघुत्तम ले लेते हैं तो तीन दुना थ्री और मल्टीपल टू सिक्स, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो थ्री है का हर सिक्स लाना है तो यहाँ हम ऐसे कर देंगे टू बाई सिक्स और दूसरा नंबर है वन बाई टू तो हमको हम थ्री से मल्टीपल कर देंगे तो थ्री बाई सिक्स हो जाएगा। इस तरह से भी दो नंबर हम निकाल सकते हैं, दो परिमेय संख्या। टू बाई सिक्स और थ्री बाई सिक्स ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि हम दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, दोनों की हर का, और जितना लघुत्तम होगा जितना एलसीएम होगा उसके बराबर हम सारे का हर को बराबर करेंगे और इस तरह से दो परिमेय संख्या हम निकाल देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने अपनी तौर से कोशिश की है कि आपको बेहतर तौर से समझाऊं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए और आपको इसका कंसेप्ट रियल नंबर का या परिमेय संख्या निकालने का कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग का सपोर्ट जारी रहेगा, आप लोग
सपोर्ट करते रहेंगे और मैं इससे बेहतर और इससे बेहतर अपने वीडियो को बनाने की कोशिश करता रहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करेंगे और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।